हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूबिक एंड मॉडर्न साइंस। आज के एपिसोड में हम तीन श्लोक फिर लेंगे गीता अध्याय 9 का, श्लोक 12, 13 और 14। तीन श्लोक लेंगे क्योंकि 9, 10 और 11 इन तीन श्लोकों की व्याख्या यौगिक साइंस के आधार पर हमने इसके पहले एपिसोड में की थी। ये जो आने वाले तीन एपिसोड हैं, तीन श्लोक हैं, श्लोक नंबर 12, 13 और 14 और एक श्लोक और है, तो इन तीनों चारों श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही गूढ़ सिद्धांत की बात की है, मगर वो सिद्धांत व्याख्या के रूप में है। भगवान ने उसकी अलग अलग व्याख्या की है अलग अलग लोगों के हिसाब से, मगर उसके अंदर जो सिद्धांत है, जो समझने वाली चीज है, वो थोड़ी सी अलग है। तो आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूँ कि वो तीन श्लोक और कौन से हैं। एक और श्लोक है उन तीन श्लोक के अलावा, तो वो भी मैं पढ़ता हूँ। श्लोक 12 में भगवान कहते हैं, अर्जुन जो आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। ये श्लोक 12। श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान दैवी प्रकृति की बात कर रहे हैं कि जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, वैसे अनन्य मन वाले, अनन्य मन का मतलब हो गया जहां मन कहीं और नहीं जाए या कोई अन्य ना हो मेरे अलावा, भजन करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए कोई अन्य ना हो, अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। यहाँ पे भगवान दैविक प्रकृति की बात कर रहे हैं और श्लोक 12 में उन्होंने आसुरी प्रकृति की बात करी। अब श्लोक 14 में है, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रति होकर लगन पूर्वक साधना में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने निरंतर भगवान की उपासना की बात की है। एक और श्लोक है, उस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो मनुष्य देवताओं को पूजता है वो देवलोक को प्राप्त होता है, जो मनुष्य पितरों को पूजता है वो पितृलोक को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य भूतों को पूजता है वो भूतलोक को प्राप्त होता है, और हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ परमात्मा को पूजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। ये जो चारों सूत्र हैं, इन सब में एक सिद्धांत की बात भगवान ये कह रहे हैं कि हम जिसको पूजते हैं उन्हीं के लोगों को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजते हैं तो देवलोक को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजते हैं तो भूतलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजते हैं तो पितृलोक को प्राप्त होते हैं, आश्रित प्रकृति के आश्रित होते हैं तो मनुष्य अविवेकी होता है, और दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं तो वो मनुष्य मेरी उपासना करता है। तो इसमें भगवान एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं, वो इस सिद्धांत ये है कि जैसा हमारा चित्त है, चित्त की वृत्तियां हैं, जैसे हम देवताओं को पूजते हैं तो हमारा चित्त भी वैसा ही होता है, इसलिए देवताओं को पूजते हैं।
पूछते हैं, या आप भूतों को पूजते हैं, इसका मतलब हमारी चित्तवृत्ति वैसी ही है, इसलिए हम भूतों की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा करते हैं तो चित्तवृत्ति वैसी ही, या इसको उल्टा ही समझ सकते हैं कि जैसी जैसी हम पूजा करते हैं, जैसी जैसा चिंतन करते हैं, जैसा मनन करते हैं, जिसका भजन करते हैं, हमारी चित्तवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है। तो हमारे चित्तवृत्ति में है क्या, चित्त में है क्या, हमारे बुद्धि में क्या है, जो भी हमारे जीवन भर हर समय हर क्षण जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिसका भी हम चिंतन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं हर समय, वो सारी किसका आश्रित हो जाती है, अंत में बुद्धि का आश्रित हो जाती है, सारी चीजें बुद्धि में आ जाती है और बुद्धि के अनुसार चित्त की एक वृत्ति बनती है। तो हमारा जितना भी समय, जो बीता हुआ समय है, जो भूतकाल है, वो हमारे बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो भी आप नाम दे लो, ठीक है, उसके रूप में है। हमारी बुद्धि वैसी ही है जैसा मेरा भूतकाल रहा है, उस काल में जैसा मैंने चिंतन किया है, जैसा मनन किया है, जैसे मैंने कर्म किए हैं या जिनको मैंने पूजा है, वैसी मेरी बुद्धि बन चुकी है। तो ये जो पूरी बुद्धि है, बुद्धि मन चित्त अहंकार है, ये इसको हम ये कह सकते हैं कि समय, टाइम जो स्टोर किया हमने, तो जो समय हमने स्टोर किया है और जो प्रेजेंट की स्थिति है, अभी की स्थिति है, इन दोनों के अनुसार ही पूरे प्रकृति में हमारी स्थिति है या आगे स्थिति बनेगी, होंगी। हो सकता है आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम देवलोक को प्राप्त हों, मगर यदि हम देवताओं की पूजा करते हैं और हमारी स्थिति मन चित्त बुद्धि की स्थिति वैसी बन गई और शरीर छोड़ते वक्त समय भी स्थिति भी वैसी ही है, तो हम देवलोक को प्राप्त हो सकते हैं, हमारी स्थिति वैसी ही बनेगी। जैसे अभी हम सब लोगों की स्थिति कौन सी स्थिति है, हम पृथ्वी लोक पर क्यों हैं, पृथ्वी लोक पर हैं और भारत में हैं, और भारत के अंदर जिस स्थान पर भी आपका जन्म है या अभी स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति आपके मन बुद्धि चित्त के अनुसार ही बनी हुई है। तो भगवान यहाँ पे समय और स्थान का जो सिद्धांत है उसको बतला रहे हैं, मगर व्याख्या के रूप में, देवताओं, देवलोक, पितृलोक, भूतलोक के माध्यम से। मगर सैद्धांतिक रूप से यदि हम इसको समझें, चिंतन करें कि समय ही स्थान है, समय ही हमारी स्थिति है प्रकृति के अंदर, जैसा समय वैसी हमारी स्थिति। अब समय पूरा समय हो गया, हमारा पूरा भूत और हमारा वर्तमान, भविष्य पर भी आया ही नहीं, तो हमारा पूरा भूत, हमारे भूत अमला, हमारे सारे संबंध और संस्कार जो कि हमारे बुद्धि चित्त के रूप में मौजूद है अभी, तो जो भी हमारे संस्कार और संबंध है वो सारे हमारे चित्त के रूप में मौजूद है। और ब्रह्मांड की प्रेजेंट स्थिति, योगिक साइंस के माध्यम से मैंने काफी बार बोला है कि जो दूसरी स्थिति है, जिसमें कि एक तरफ पूरी प्रकृति है और दूसरी तरफ चेतन शक्ति, परमात्मा की शक्ति, उस समय वो उसकी स्थिति, वो जो चेतन शक्ति है उसकी स्थिति ब्रह्मांड में कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट जीवात्मा के अनुसार रिस्पेक्ट कि जीवात्मा की स्थिति और परमात्मा की जो एनर्जी, जो चेतन शक्ति की एनर्जी है प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में, वो स्थिति और जीवात्मा की भूतकाल की स्थिति, मतलब कि उसका चित्त बुद्धि है। तो ये सारी चीजें इसको हम समय कह सकते हैं। तो समय, क्योंकि मेरा ऐसा समय है इसलिए मेरी यहां स्थिति है, मेरा समय अलग हो जाए, दूसरी क्वालिटी का हो जाए, तो मेरी स्थिति पूरी प्रकृति में चेंज हो जाएगी और प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है।
तो ये परिवर्तन जीवात्मा के अपने संबंध और संस्कार के अनुसार भी हर समय हो रहा है ये परिवर्तन। और परमात्मा की जो चेतन शक्ति है उसका जो राउंड है पूरे प्रकृति के चारों तरफ, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों ही हमारा समय, हमारे समय को निर्धारित करती है, वर्तमान को, वर्तमान समय को, और हमारे भूत समय, भूतकाल के समय, यानी हमारा हमारे हमारे संबंध और संस्कार। तो समय और स्थान की यहाँ पे एक तरीके से सिद्धांत भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हमारा समय होता है वैसा ही हमारी, वैसी गति और स्थिति इस पूरे प्रकृति में हमारी बनती है। यदि हमारे संस्कार और समय समय का बोध खत्म हो जाए किसी जीवात्मा के अंदर, समय का बोध ही खत्म हो जाए, विचित्र वृत्ति बिल्कुल शांत हो जाए, खत्म हो जाए, निरोध हो जाए, इसकी ये पतंजलि योग में जो पहला सूत्र है योग का, उस पतंजलि योग में जो पहला सूत्र है वो यही है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना। चित्त वृत्ति का मतलब क्या? समय, समय का यदि निरोध हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? कोई स्थिति नहीं बनेगी प्रकृति, तो वो जीवात्मा मूल को ही प्राप्त हो जाएगा, उसकी स्थिति पूरे प्रकृति में कहीं भी नहीं बनेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जीवात्मा मुक्त हो गई, निर्वाण को उपलब्ध हो गई, या कोई भी शब्द दे लो। तो समय और स्थिति, समय और स्थान की अवधारणा को भगवान ने बहुत ही अच्छे ढंग से देवलोक के माध्यम से, पितृलोक के माध्यम से इन चारों सूत्र में समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि जैसे जैसी हमारी चित्त वृत्ति होती है वैसा ही हमारी स्थिति उस इस पूरे ब्रह्मांड में होती है। लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने लोक हैं पूरे पूरे प्रकृति में, शिव लोक, देव लोक, पितृलोक, बहुत सारे लोग हैं, गौ लोक, वैकुंठ धाम, बहुत सारे लोग हैं, नीचे के लोग भी हैं, ठीक है, पाताल लोक, आसुरी शक्तियों के लोक, भूत लोक, बहुत सारे लोग हैं। तो लोक का मतलब ये हो गया कि ये अलग अलग स्थितियां हैं पूरी प्रकृति में, और स्थिति का मतलब ये हो गया कि उस जीवात्मा की का समय या उसके उसके संबंध और संस्कार कैसे हैं, और परमात्मा की शक्ति है उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। हो सकता है हमारे संस्कार बहुत नॉर्मल रहे हों, नॉर्मल संस्कार हैं, या बहुत मीन्स आसुरी किस्म के संस्कार हैं, पर हो सकता है कि समय ऐसा हो कि जो परमात्मा की जो चेतन शक्ति है, ठीक है, वो आपको ऊंचे लोकों में उसके माध्यम से आप ऊंचे लोगों को प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो भी एक फैक्टर है हमारी स्थिति तय करने का। तो दोनों चीजें हैं, एक जीवात्मा की अपनी स्थिति, अपनी उसकी चित्त वृत्ति, अपनी बुद्धि, और परमात्मा की जो वर्तमान में स्थिति है, उस एनर्जी की जो स्थिति है। अब मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इन चारों श्लोकों में जो भगवान ने कहा है अलग अलग लोकों की बात, देवलोक की बात, पितृलोक की बात, कि योग साइंस के माध्यम से और भी गहराई से इसको स्पष्ट करें। जी सर, इसमें आपने बहुत अच्छा इनकी श्लोकों की व्याख्या की है। तो योगिक साइंस के माध्यम से इसमें मेरा यही कहना है कि एक दोहा आता है इसमें कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ पर जो ये तीन चीजें हैं, अब देखो इनको योगिक साइंस के माध्यम से इन तीनों शब्दों को और आपके गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण के मुखारविंद से इन तीनों शब्दों को देखो योगिक साइंस कहाँ पर सेट कर रही है, कहाँ देख रही है, या गीता में इनको कहाँ रखा गया है। वो ये कह रहे हैं ईश्वर अर्थात
आपने बात करी कि ब्रह्मांड के बाहर या अंडे के बाहर या एक यूनिट के बाहर एक बाहरी जो पावर है, एनर्जी है, उसे परमात्मा कहा गया, तो वो उसे यहाँ पर वो ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर उसे ईश्वर कह रहे हैं, और अंश कह रहे हैं, अंश अंश कह रहे हैं कि ईश्वर ये अविनाशी है, ईश्वर को अविनाशी बता रहे हैं कि वो अविनाशी है, तो वो आपने जो स्थिति बताई है वो अविनाशी है, और अंश बता दूसरा शब्द लिया उन्होंने कि अंश, तो अंश देखो कहाँ पे है, जो एक पड़ी हुई हम योगिक साइंस के माध्यम से बोले कि एक आत्मा पड़ी हुई है, ये दोनों जो मिलके अंग हैं ये उस अंश को बना रहे हैं, उसी की ही शक्ल को बना रहे हैं ये, तो ये जो बना रहे हैं ये अंश है, तो ये दोनों मिलकर के कहा गया अंश, ये अभी अविनाशी है। तो बोला जीव जो प्रकृति में जीव है, जो हम बात योगिक साइंस में बहुत पहले बता चुके कि एक अंडे के अंदर बहुत भरे हुए जीव हैं, एक यूनिट के अंदर बहुत सारे भरे हुए अंडे हैं, और एक पूरे ब्रह्मांड में कंप्लीट भरे हुए अंडे हैं, उसमें यूनिट भी कहलाती हैं, लोक भी कहलाते हैं, सारे जितने आपने अभी लोग बताए ये सारे लोग बताए, पता नहीं इससे भी और आगे लोग कितने हैं, ये भी सब कहलाए उसके अंदर, तो ये सभी के सभी ये जीव जब शब्द कहता, हम ये कह रहे थे कि ये तो एक प्लस है, वो जीव है अंडे के अंदर की बात कर रहे हैं सिंगल पीस की, उसमें हमने ये कहा था कि वो आड़ा तिरछा होता है, तो आड़े तिरछे का अर्थ अब यहाँ गीता में पहुंच गए हैं, इसलिए गीता में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जीव की भी अपनी एक एनर्जी है, भले ही वो 0.3% है, 0.3% ही उसकी एनर्जी है, मगर उसकी भी अपनी एक एनर्जी है जो अप्रत्यक्ष है, जो उसको खुद पता नहीं चलती है, दिखाई नहीं देती है, मगर वो जीव, मैंने ये कहा था कि वो आड़े तिरछे होते हैं, अगर वो जीव उस अंडे के अंदर, उस यूनिट के अंदर, उस शरीर के अंदर, अगर वो ऐसा जीव जो वन पीस है, जो सिंगल जीव है, वो जीव अगर करवट ले जाए, अपनी अपनी ताकत से चल नहीं सकता, ये बात हमने योगिक साइंस से बताई थी कि चलने के लिए उसको परमात्मा की पूरी ही एनर्जी चाहिए, बाहर वाले परमात्मा की एनर्जी चाहिए, मगर उसको भी तो अपनी एनर्जी है, मगर उसको अपनी एनर्जी का दूसरे की एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अपनी घर में मिट्टी का तेल और लालटेन रखी हुई, उसका ध्यान ही नहीं है, बिजली आ रही है इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी वाली भूल गए, अगर बिजली चली जाए उसको याद आ जाए, अगर शरीर को कोई झटका लग जाए, और अगर जीव को याद आ जाए कि मिट्टी का तेल और वो लाइट पे रखी है, लाइट चली गई, चलो भैया जलाओ, तो अपनी एनर्जी उसे याद आ जाए, तो अपनी एनर्जी सिर्फ करवट लेने भरेगी है उसकी, कि वो करवट ले सकता है, और जैसे ही जीव उस अंडे के अंदर करवट लेता है, या इस शरीर के अंदर जैसे ही करवट जीव लेता है अपनी, उससे होगा कब, कब ले, क्यों लेगा करवट, जब बाहर की जो हमें इस शरीर में मिल रहे सब चीजें, ये साधारण तरीके से मिल रही चीजें, ये सारी ब्लॉक हो जाए, और ब्लॉक होकर के हम कहीं के ना रह जाएं, फिर वही बात आ गई जहां की हम पहले हमने आपसे डिस्कस करी थी, हम कहीं के ना रह जाएं, तो जीव जो है ना, जीव एकदम पलटा करवट ले सकता, जैसे छोटा बच्चा है, अगर आप इसी तरफ दूध पिला रहे तो उसको उठने की ताकत नहीं, वो उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं सकता, दूध नहीं बना सकता, मगर एक 5-6 महीने का बच्चा है, वो करवट लगा करके दूध तो पी सकता है, मगर अगर उसकी कोई ऐसी माइंड की पोजिशन बन जाए, वो करवट ले जाए, और उधर को दूध किसी थी हो ही ना, तो उधर तो दूध मिलेगा ही नहीं उसको, तो वो चीज करवट भर ले सकता है, खड़ा नहीं हो सकता, करवट ले सकता है, इतनी एनर्जी उसमें जीव में है, वो एनर्जी अगर काम में आ जाए और वो जीव करवट ले जाए, तो वो बाहर वाली एनर्जी को, उस जीव को उठाना मजबूरी है उसकी, कि अब ये करवट ले गया है, अब इसको उस रिक्त में इसे ले जाना बड़ा जरूरी, और ये सब काम झाम जो हमने रचा है, ये अब इसको बताना, अनुभव में लाना बड़ा जरूरी हो गया, क्योंकि ये अपने ही केंद्र पे करवट ले गया। तो ये बात हम पहले ही हम बता चुके थे एपिसोड में, कि जीव जो है ना, जीव आड़ा तिरछा होता है,
जब डूबते वक्त व निकलते समय आड़ा तिरछा होता है तो करवट ले जाता है। तो योगिक साइंस के माध्यम से जो गीता में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता का उपदेश हो रहा है, तो यहाँ जीव के करवट लेने की बात है और लोगों को जो प्राप्त होता है वो करवट नहीं लेते, वो उसकी आस्था है, आस्था है, विश्वास है और उसको उसकी अपनी चाहत है। वो अभी इस ब्रह्मांड में चाहत रख करके और भी जिंदगी चाहता है और लोगों में जीवन चाहता है, मगर करवट ले गया वो तो एकदम, जैसे कल बात आई थी उदासीन, वो सारे पूरे हर रस उसके बंद हो गए इसलिए वो उदासीन हो गया। अब उदासीन हो गया तो उसके बाद में उसका काम तमाम हो गया, और कहीं से जो उसे अनुभव में आना था अनुभव में आ गया, उसके बाद उसे मिलो या मत मिलो, जितना उसका हिस्सा है उतना मिलो। संत की एक नीति बताई थी कल कि संत को उतना ही लेना चाहिए कि जितना उसको जरूरत है, ये उसकी संत नीति है। जो संत नीति के टाइप में फिर वो आ जाता है, जितना जरूरत है उतना बार ले लिया काफी है, बाकी उसकी लालसाएं सारी धूमिल हो जाती हैं कि वो कौन से लोक में जाएगा लोक में नहीं, लोगों की माध्यम से खत्म हो जाए। मगर अभी हम बात कर रहे हैं लोगों की, इसलिए श्री कृष्ण भगवान जो लोगों की बात करते तो यहाँ आस्था, विश्वास और कर्म, ये सभी जो है एक लाइन में खड़े हुए हैं, इसलिए आप इस लाइन में आप खड़े रहिए और अपने उसी इनके माध्यम से अपने लोगों को आप प्राप्त हो जाइए, मृत्यु के बाद में लोगों को प्राप्त हो जाइए। ये इस वक्त इस श्लोकों में जो व्याख्या हो रही वो ये चल रही, मगर ये मैंने आपको गहरा एक सेंटेंस बता दिया योगी साइंस के माध्यम से। ठीक है जी, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये जो एपिसोड है और इसमें जो हमने श्लोक की व्याख्या की और इसमें जो एक अंतर्निहित जो सिद्धांत है समय और स्थिति की, और शर्मा जी ने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो समझ में आया होगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड भी हम गीता के श्लोकों पर ही बनाएंगे और उसमें भी हम कुछ सिद्धांत आध्यात्मिक सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे और साथ साथ गीता भी योगिक साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।